नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैच लॉकडाउन का दौर है, ऐसे में कुछ व्यापारी आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश में लगातार जुटे। रीवा पुलिस इसी में नकेल लगाने की कोशिश कर रही है। आज सुबह SP 5 बजे से ही रीवा की सड़कों पर निकल गए थे अपने दल पर से। उनको किसी ने जानकारी दी, सब्जी मंडी के पीछे पैरलर सब्जी मंडी जितेंद्र कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति चला रहा है। SP तत्काल ही वहां पर पहुंच गए। इस दौरान जितेंद्र कुशवाहा के घर में 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते, वो कुत्ते छूटे हुए थे SP घर के अंदर। हालांकि कोई भी अप्रिय स्थिति नहीं हुई, कुत्तों ने भौंका जरूर, लेकिन कार्रवाई होनी थी, कार्रवाई हुई। जितेंद्र कुशवाहा का लड़का तत्काल ही दूसरे बगल के घर में कूद गया, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। 2 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। नगर निगम ने पूरी सब्जियों को जब्त कर लिया गया है। इस बारे में जब हमने पुलिस अधीक्षक से बात की तो उनका साफ तौर से कहना था, इस समय कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, लोगों को स्वयं अपने घर के अंदर रहना चाहिए, इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र विकल्प यही है। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। सरकार से लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके हित में बढ़ाया गया है। इसमें हमारा कोई हित नहीं है, सर्वहित है। हम भी बचें, आप भी बचें, सब लोग बचें। तो उसी तारतम्य आज सुबह हम लोग सब लोग निकले, हमारे सभी थाना प्रभारी चौराहे सब्जी मंडी के पास मिले। हम दोनों लोग साथ में निकले अपनी गाड़ियों से, तो एक व्यक्ति ने सूचना दी कि साहब ये यहाँ तो आप बंद कराएं, पीछे सब्जी मंडी चल रही है। फिर हम लोगों ने आए तो देखा यहाँ पर भारी भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी सब्जी मंडी थी। पुलिस को देख के लोग तितर बितर हो गए, बट हमने जाके अंदर देखा तो भारी सब्जी मंडी थी। तो उसके मालिक को बुला के पकड़ लिया है, और आरोपी उसका जो मालिक का लड़का है उसके बगल के घर में छुपा हुआ था, उसको भी पकड़ लिया है, और हर सारी कार्रवाई महामारी अधिनियम के तहत की जा रही है। और सब कई जगह देखा जा रहा है कि मना करने के बाद भी, अब ये देखो लोगों की खुद अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। हम अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। हमारा इस समय कर्तव्य है कि हम जो है सभी लोगों के अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने घर से बाहर न निकलें। हम लोगों की मदद करें, इस शहर की मदद करें। शहर में कोरोना जाएगा, देहात में कोरोना जाएगा, तो तमाम रिलैक्सेशन मिलेगी, तमाम छूटें मिलेंगी। लोग इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन इस शहर से कोरोना, इस जिले से कोरोना चला जाएगा। जितेंद्र कुशवाहा सब्जियों को सस्ते दामों में खरीदकर महंगे दामों में बेचने की कोशिश कर रहा था। इसका सीधा सा अर्थ है आपदा को अवसर में बदल रहा था। छोटे व्यापारियों को पिछले 3 दिनों से लॉकडाउन है, उनके पास सब्जियां नहीं थी, मन माफिक रेट पर वह सब्जियां बेच रहा था। इसी के चलते पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस बारे में जब हमने TI चौराहा शिवपूजन से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आपको वह भी सुनना चाहिए। इसमें ये सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है तो गोदाम में स्टॉक रख के सब्जी लोगों से खरीद भी रहा है, उसको बिकवा भी रहा है। उस पर से सूचना मिली थी तो श्रीमान नेतृत्व में सभी गए थे और उसमें कार्यवाही की गई, उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, कार्रवाई के दौरान कुत्ते भी छोड़े गए उसमें, चूँकि उनका जो गोदाम के मालिक थे उनकी पत्नी आ गई थी, उनके साथ में कुत्ता था, हालांकि रस्सी नहीं बंधी हुई थी उसमें, और उसको जल्दी ही फिर उनको कहा गया कि अपना कुत्ता पकड़ लें, उन्होंने फिर पकड़ लिया था, सहयोग किया उन्होंने। और पुलिस वालों को भूखा दौड़ा है अभी, अब जो जानवर है वो नहीं जानता किसके ऊपर भोंकना है, किसके ऊपर भोंकना है, तो उस पर नियंत्रण पा लिया गया था। कार्यवाही दौरान शांति स्थिर रही, कोई समस्या नहीं हुई, FIR दर्ज हो गई। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।